कोई हम देख कहता हूँ क्या साहब, मैं थोड़ी देर पहले जो है मुझे फ़ोन किया और पूछा कि आप किधर हैं, तो मैंने कहा मैं सिक्रेट में हूँ, मुझे कहा कि सिक्रेट में आप किधर था, मैंने कहा कि और सिक्रेट में रेस्टोरेंट के और पड़ोस में, तो क्या साहब मैंने आना चाहता हूँ, मैंने कहा सर मोस्ट वेलकम पिछली जहाँ यहाँ से होते जाएँ, तो प्रेस क्लब के साथ क्या सर पर अच्छा से जो है वो पहला वास्त है, तो दूसरा ये है कि यही प्रेस क्लब शाह साहब का प्रेस क्लब है, उस एतबार से कि इलेक्शन जो है वो शाह साहब इसी प्रेस क्लब के हुई है से जो है वो इंतजार में, तो प्रेस क्लब में जो है वो शाह साहब आपकी वो जो दिलचस्पी की जो है वो भी जरूर है, वो थे मामला में तो मैं शाह साहब से पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सदस्य गुजारिश करता हूँ कि वो पाकिस्तान बुनियाद तौर पर वैसी इंटेंशन नहीं थी कि प्रेस क्लब टॉप मीडिया के अंदर हो गए, आए गए हैं साथियों के सवाल का जवाब देने पड़े, बुनियाद तौर पर अभी जो इशू है करंट इशू वो है आजाद कश्मीर के तबियत देखा अजीब एक मखमसे में उन कौम को डाला हुआ है और इस मखमसे से इस कौम को निकालना चाहिए। पहले गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम इंतखाबात जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि इंतखाबात करें, सब ने कहा कि इंतखाबात में तमाम पार्टियां हुकूमत हो या अपोजिशन हो किसी को कोई एतराज नहीं, इन्होंने कहा पहले कि जी सिक्योरिटी जो है हम फराम करेंगे, बाद में इन्होंने सिक्योरिटी फराम करने में नाकाम रहे, हुकूमत पाकिस्तान से इन्होंने सिक्योरिटी का मुतालबा किया जो पाकिस्तान के सियासी हालात में क्या मुमकिन नहीं था, इन्होंने बच्चों वाली तजवीज़ रखी कि अमन कमेटियाँ बनाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने फौरी तौर पर हमने कहा कि ये अमन कमेटियाँ जो है ये मुनसफाना गैर जानी इंतखाबात नहीं करा सकती, अमन कमेटियाँ तो बाद में बनती हैं जब कोई वाकया हो जाए तो उसके बाद भी उसकी कमेटियाँ बनती हैं जो जाके उन मामला को रिजॉल्व करें, ये कंडक्ट करना है इलेक्शन को कंडक्ट करना है ये अमन कमेटियों का काम नहीं है, आगे एक 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 गांव में कई कई नंबरदार होते हैं मुस्लिम होते हैं, वो कितने नंबरदारों को आप शामिल करेंगे किनको छोड़ेंगे क्या, ये एक बचपना था चले, उसके बाद चीज इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा कि नहीं। आज मसला ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मैंने कल लेटर भी लिखा है शायद आपकी नज़र से गुजरा हूँ, मैंने कहा कि हम पूरी तैयारी कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि इंतखाबात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ पर साहब से मेरी बात हुई और चौधरी यासीन साहब से तो उन्होंने भी काफ़ी आगे पूरी तैयारी हर जगह तैयारी है, मैं भी आज 10 दिन के बाद अपने हल्के से बाहर निकल, लेकिन सिक्योरिटी की फरामी की जिम्मेदारी जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की है वो कैसे, पहले ये कहने लगा ज़िले वाइज करेंगे, फिर कहने लगा कि ये हम जो है डिवीज़न वाइज करेंगे, आज तक ये वाहिद हुकूमत कि जिस हुकूमत ने इस सारे अमल में सीधी हुकूमत उन्होंने अपोजिशन से कोई मिशाल नहीं, इससे पहले आज़ाद कश्मीर में बेशुमार हुकूमतें आती रही हैं लेकिन अपोजिशन के साथ कुछ मामला में बैठ के मामला को तय किए जाते थे कि इसको हम कैसे रिजॉल्व करें, इश्यूज पैदा होते थे तो उनको रिजॉल्व करना होता है, लेकिन ये अकेले कुल हैं और ये अकेले कुल जो होते हैं वो तबाही का पेशा होता है, जब कोई आदमी समझते कि मैं अकेले कुल हूँ वो तबाही की तरफ पड़ता, आज हम किसी सूरत कोई ऐसा काम जो है जिसके जरिए इलेक्शन वाले दिन अगर किसी का जान का जरा तो जख्मी होता है कुछ होता है इसकी जिम्मेदारी कौन होता है, हमारा सवाल से उतना है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ने कल एक लेटर लिखा, उस लेटर में वो कहता है जो इंतजाम किए जाए, भाई बैलेट पेपर पहुँच गए हैं, जो आरोज के पास बैलेट पेपर पहुंच गए हैं, डब्बे पहुंच गए हैं, हर चीज़ तैयार हो गई है, तो आप सिक्योरिटी दें, और अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो कौम को बताइए जान से निकाले कौम को कि भाई हमारे पास अभी सिक्योरिटी नहीं है, हम महीने बाद कराएंगे, 2 महीने बाद कराएंगे, कराएंगे कब कराएंगे, एक प्लान होता है शामिल करें, तो वो काम करने की बजाय जो है वो एक दिन का प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहीं कहा वो जी 4 लोग क्या है हजारों लोगों को रोक सकते हैं, अब इसका मतलब है तो फिर तो पुलिस की भी जरूरत नहीं है, पूरे आज़ाद कश्मीर में पुलिस के डिपार्टमेंट को रखा हुआ है,
फिर ये सारे सिक्योरिटी के बाकी इदारे क्यों रखे हुए? अगर उनके चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी ना पंचायती इलेक्शन लड़ा है ना कभी उन्होंने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ा है, इत्तेफाक से वो अब इस दफा कामयाब हो गए हैं अपने वसाइल को इस्तेमाल करके, इसलिए उन्हें आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के डायनमिक्स का पता है। मेरी गुजारिश ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना है। इलेक्शन कमीशन भी देख रही है कि कभी वो बॉल हुकूमत की तरफ फेंकते हैं, हुकूमत उनको अपनी तरफ फेंकते हैं, फिर कभी वो अपोजिशन की तरफ फेंकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने एक दिन बयान दे दिया कि जी ये जो मुस्लिम लीग और अपोजिशन की जमात है पीपल्स पार्टी, ये मरकज से ला के दें सिक्योरिटी फोर्सेज का सवाल ही करें हुकूमत में हम नहीं कि आप इधारा आपका है, आपको ये काम चाहिए शेड्यूल देने से पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें तय करनी चाहिए। आज भी हमारा मुकाबला ये है कि आज़ाद कश्मीर में सारा काम जो है जो रुका हुआ है कोई तरह की अभी काम नहीं हो रहा। आज़ाद कश्मीर में हिजान की सी कैफियत है, इस हिजान की कैफियत से लोगों को जान छुड़ाने के लिए ज़रूरी है कि इस इंतखाबात के पुरामन और शफा बनाने के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करें और इंतखाबात अगर मुमकिन है तो 27 तारीख भी करवा दें, हम उसके लिए तैयार हैं। शाह साहब ये फरमाइए कि दो तीन चीज़ें हैं पब्लिक के लिए आज के बहुत सारी गलतफहमी भी हो रही है और इसके लिए बहुत सारी अफवाहें सरगर्म में, दो चीज़ों की बताना चाहूँगा वकास भाई सुनिए प्लीज़। एक ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त पाकिस्तान में आप समझते हैं कि इकतदार के अंदर मौजूद है, तो बाद हुकूमती जिम्मेदारान ये तासर दे रहे हैं कि आप लोग मिलकर वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फरामी के अलावा बड़ी रुकावटें आप लोग नहीं चाहते कि ये बल्दियाती इंतबात में 31 साल के बाद पीडीपीडीआई की गवर्नमेंट पर जाए, और इस पर आप लोगों का कंसेंसस आप लोगों पॉलिटिकल पार्टीज की अपोजिशन की एक इल्ज़ाम है। एक उसकी वजह से बताने पर मैं दूसरा सवाल करता हूँ। बात यह है इस वक्त जो सूरत हाल है 10 जिलों में से 8 जिले में तो जिला काउंसिल का चेयरमैन अपोजिशन का बन रहा है। सीधा सीधा आपको जिला काउंसिल की सीटों को देखना, हम क्यों नहीं चाहेंगे? पीटीआई तो वॉश आउट हो रही है इस इलेक्शन में, पीटीआई तो अपने उस हाल में पहुंचेगी कि आप देखते रह जाएंगे कि पीट मैं कह सकता हूँ नीलम में, मुजफ्फराबाद में, अपना रावला कोट में, कलंदरी में, कोटली में, मीरपुर में सभी के जिला काउंसिल के चेयरमैन बनने वाले, हम क्यों इसकी मुखालफत करेंगे? हमें तो ये सूट करता है इलेक्शन, लेकिन हम इलेक्शन फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, पुरअमन हो। पहले इलेक्शन पुरअमन हुए, रिजल्ट उसका जो भी निकला लेकिन सबने तस्लीम किया, इसी तरह पुरअमन इलेक्शन कराए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इस सारे अमल के पीछे है और उसकी डायरेक्शन पर आपको पता होगा दो तीन दफ़ा रिव्यू में कमेंट भी की मूली की दौर से ये सारी कहानी बहुत पीक पर पहुंची। इस आज एक मंजूर सामने आया है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानब से कि उन्होंने रहनुमाई मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि सिक्योरिटी फोर्सेज की फरामी के हवाले से ये मुश्किल हाई हैं। अगर इसी सूरत को देखते हो सुप्रीम कोर्ट इन हालात में जो हुक्म देती है इलेक्शन का कि बाहर सूरत करवाए जाए, इस पर सिक्योरिटी का क्या मुताबिक तस्लीम करेगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है पहली बात तो इसकी वजात हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई शोरों पर एक्शन लेने का इख्तियार नहीं, ये आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के पास। कुछ चीज़ें जो है बीच में गड़बड़ कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़े रोल है कि उसके पास कोई अपील हो तो उस पर वो फैसला दे सके। अब उन्होंने अपील में फैसला दे दिया है कि ये इंतखाबात होना चाहिए, 30 नवंबर तक उन्होंने फैसला दे दिया है। अब उसको कंडक्ट कराना हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का काम है। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगी कि जी आप कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो इंटीग्रिटी तय करेंगे जी यहाँ से फोर्स लाओ तो वहाँ से फोर्स लाओ, ये उनका काम नहीं। उन्होंने फैसला दे दिया, उस फैसले पर अमल दरामद कराना हुकूमत का इलेक्शन कमीशन का। शाह साहब मेरा ये सवाल है कि जैसे कि आज कमीशन की जानब से जो मकतूब इरसाल किया गया सुप्रीम कोर्ट को, अगर वहाँ पे ये मुनासिब तजवीज़ जो इलेक्शन कमीशन ने मांगी है, अगर सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत जो वहाँ पे अपना स्टांस रखती है कि हम इस इलेक्शन को डिवीजन वाइज या जिला वाइज करवाने के लिए तैयार हैं, तो उस सूरत में अपोजिशन जो जमातें हैं उनका हमारा सीधा साधा मौका है कि पूरा इलेक्शन आज़ाद कश्मीर को बहुत बड़ा एरिया नहीं है,
ये जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तो ढाई जिला था, जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था ढाई जिले तो हमने 10 जिले बनाए। अब क्या कितनी तकसीम दर तकसीम करना चाहिए, ये तकसीमों के ये मुल्क तकसीमों के लिए है कि जी इसको अलग तकसीम करो इसको अलग तकसीम करो। भाई सीधी बात है, 10 जिले में एक दिन में इलेक्शन हो सकते हैं, इसमें जब सारी पार्टियां तैयार हैं इलेक्शन के लिए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन में कराए। पाकिस्तान में इंतजार में है और आपने जितने भी इंतखाबात आपकी जमात ने इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर में लड़े हैं उनमें बुनियादी इंतखाबात का इनकार आपका मंजूर रहा है, आपकी 5 साल हुकूमत भी रही लेकिन बुनियादी इंतखाबात आप नकद नहीं करवा सके। इस वक्त अगर आपकी जमात आज़ाद कश्मीर की जमात मुस्लिम लीग नून अगर संजीदा थी तो आज़ाद कश्मीर की जो आवाम को या जो छात्र हैं उनका आज़ाद कश्मीर में आज तक क्या मुझसे रब्ता किया है कोई हुकूमत आज़ाद ने, क्या वज़ीर आज़म ने मुझसे रब्ता किया है, क्या मेरी मदद करें, क्या मेरी पार्टी के किसी सीनियर लीडर से रब्ता किया है कि जी आप मेरी मदद करें, वो तो हवा के घोड़े पर सवार है वज़ीर आज़म साहब, तो वो तो कहते हैं कि पूरी दुनिया मेरे तो ताल्लुकात पता नहीं पिंडी में भी हैं तो मेरे ताल्लुकात लाहौर में भी हैं, मेरे ताल्लुकात इस्लामाबाद में भी हैं, अकबाला में भी हैं, वो सारे वो तो कह पता ये लगता है कि पूरा पाकिस्तान की सियासत उनके कंट्रोल में है, तो ले आए ना सिक्योरिटी फोर्सेज, अगर उन्होंने हमसे कहा होता अपोजिशन को बुलाया होता तो हम उनका हम भी कहते कि चलो ये आज हम अपना रोल अदा करते, लेकिन उन्होंने वो तो मैंने वो हवाई या खुलाई मकबूत की तरह फिर रहे ना क्या साहब, ये जमीन पे आएंगे तो अमन कमेटियों के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि वो मुकामी इंतज़ामिया जो है वो इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही हैं बल्कि मुकामी तौर पर इलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए पुरअमन माहौल रखने के लिए कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। उसमें आपका मौक़िफ़ यह है कि जी अमन कमेटियों को हम मुस्तरद करते हैं तो मुकामी तौर पर अगर वो इसकी देख भी चाह रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसमें आपका मौक़िफ़ है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी क्या वजह है? पहले उन्होंने तासुर ये दिया कि अमन कमेटी के जरिए इंतखाबात करते हमने उसको रिजेक्ट किया। आप मुझे ये बता दें कि अमन कमेटियाँ बनानी होती तो पहले मरकज़ के लेवल पर तो एक कमेटी बनाए ना जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोगों की मुशावरत हो, मरकज़ को छोड़ देते हैं पोलिंग स्टेशन में चले जाते, कल जो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है जो लेटर है उसमें लिखा है कि अमन अमान की जिम्मेदारी पढ़ लेना आखिरी पॉइंट है शायद उसकी जिम्मेदारी जो है वो अमन कमेटी रबता अमन कमेटी को वो जिम्मेदारी कौन ले सकता है, अब तो नहीं ले सकता अमन कमेटी के कोई मेम्बर नहीं, इसलिए हमने अपने आप को उससे बाहर रखा। सर मेरा सवाल ये है सर जैसे आपने अभी फरमाया कि 10 में से 8 इजला में आपके इस पर पहुँचते रहे जीत रहे हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब होने जा रही है बुनियादी इंतखाबात में, उसकी जानब आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने आपसे रब्ता नहीं किया तो क्या हुकूमत के रब्ता ना करने में जो आपकी मुकामी सतह पर हुकूमत आने के चांसेज हैं या जो आपके कारकुनान हैं उनके लिए आप एफर्ट नहीं करेंगे? बात को थोड़ा सा मिक्स आप थोड़ा सा मिक्स उल्टा ये कहना है कि आप जीतने जा रहे थे आप जीत का चांस क्यों मिस करना चाह रहे हैं? हम कब मिस करना चाह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन हम ये कह रहे हैं कि 10 में से 8 जिला जो है उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल ऑपोजिशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन बनाएंगे। अब जो है इलेक्शन से भागने का बहाना तो पीटीआई ढूंढ रही है, हम कब ढूंढ रहे हैं, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फराम करें और इलेक्शन कराएं, हमने कब कहा कि ना कराएं। मेरा सवाल ये है कि मोहब्बत भी नहीं करेंगे हुकूमत के इंतखाबात के नकार हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत उनके पास जाती है इसके अपने उत्पाद में आप नहीं हम क्या बात वहाँ पर क्या इमरान खान को ले जाए ना ये कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया कंट्रोल की हुई है। सर मेरा सवाल ये है तो ये इमरान खान को जाके कहे ना कि जनाब 10-15 दिन डिले कर दें हम यहाँ इलेक्शन करा लेते हैं तो हम इलेक्शन करा लेते हैं उसके बाद आप करते रहे जो
सरीदारा में है वहाँ पर भी आपका कैंडिडेट मौजूद नहीं है, बाद ऐसे वार्ड्स में मौजूद है जहाँ पर आपका कैंडिडेट मौजूद नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन? मैंने आपसे कहा है कि इलेक्शन स्ट्रेटजी चल रही है, इलेक्शन स्ट्रेटजी लड़ा जाता है हर जगह, जहाँ जहाँ स्ट्रेटजी है, जहाँ पे हमने हमारे पास कोई आज़ाद उम्मीदवार मजबूत है, हमने उसको कहा है कि भैया लड़ लो, इसलिए कि ये स्ट्रेटजी सीटें जीतनी है ना, सीटें कैसे जीतनी है इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाई जाए, ये थोड़ी बनाई जाती है कि क्या करें। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह ताला आपकी जिंदगी के मुझे भी जिंदगी के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे। शाह साहब मुझे तो सुनते आपने क्या तजवीज़ करेंगे कि क्या मुमकिन है जो हो सकता है जो अच्छा ही जाने का है? जी हम तो ये कहते हैं कि हुकूमत चीफ सेक्रेटरी का जो लेटर है वो माफूल लेटर है, अब जो आज पढ़ा है मैं समझता हूँ कि उस लेटर के मुताबिक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोल प्ले करें, तमाम सियासी जमातों को बिठाए और इमाम से कौम को निकाले, यहाँ के लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, 15 करोड़ रुपए सिर्फ इसे क्या नहीं करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं लोगों ने, आप ये लोगों को आप जनाब लटका के रखेंगे, लटका के रखेंगे, उससे बेहतर है कि तमाम सियासी जमातों को बिठाएं, एक फैसला कर लें कि ये होना है, सिक्योरिटी इस तरह देनी है, कब देनी है, सिक्योरिटी के बगैर आप किसी इलेक्शन। वैसे मौसम भी शाह साहब आपने देखा होगा नीलम लिपा हवेली जितने भी दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे कब्ज बार जो कि क्लाइमेट चेंज की जरूरत नहीं है, कितना बर्फबारी हो चुकी है, तो इससे टर्न आउट भी मुतासर होने का खदशा है, कौन सा मौसम आप समझते हैं इलेक्शन के लिए मौजूद रहेगा? हम कहते हैं जी बर्फबारी इलाके में तो डेरा आता है जी, आप तो मैं जब डर नहीं रहा हूँ तो बाकी को क्या करने की जरूरत है, मैं तो कहता हूँ कराओ सताइश को, आप सिर्फ भेजे फौज और रेंजर्स भेजे और इलेक्शन कराए, सताइश भी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।